हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीनाज किचन। आज हम बनाने वाले मुंह में घुल जाने वाली बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट मिठाई की रेसिपी। और मज़े की बात तो ये है, इस मिठाई को बनाने के लिए हमने गैस भी नहीं जलाया है। बिना गैस जलाए ये मिठाई बनके तैयार हो जाती है और खाने में ये बहुत ज़्यादा टेस्टी और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट सी है। इस मिठाई को बनाने के लिए आधा कप हमने यहाँ पर चीनी लिया है। फ्रेंड्स, इसी कटोरी से हम सारी मेजरमेंट लेने वाले हैं, तो कोई भी कप या कटोरी आप सेट कर ले, उसी से आप यहाँ पे सारा मेजरमेंट ले। दो इलायची डाल लेते हैं और अब हम इसे अच्छी तरह से ग्राइंड करके इसका पाउडर बना लेते हैं। बिल्कुल फाइन साइज का पाउडर हमें तैयार करना है। फ्रेंड्स, आधा कटोरी हमने यहाँ पर ले लिया है देसी घी। घी से मिठाई का जो टेस्ट है बहुत ही अच्छा आता है। और अब हम इसमें डाल लेते हैं पिसी हुई चीनी। फ्रेंड्स, आप चीनी को छान करके इसमें इस्तेमाल करें ताकि जो चीनी के मोटे मोटे अगर कण रह गए हैं तो वो अलग हो जाएंगे। लेकिन यहाँ मैंने इसे बिल्कुल अच्छी तरह से पाउडर बनाया है, तो ये बिल्कुल अच्छी तरह से पीसे हुए हैं। अब हम चीनी और घी को बिल्कुल अच्छी तरह से इस तरह से मिला लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से बिल्कुल अच्छी तरह से इसे हम मिक्स करेंगे ताकि ये बिल्कुल क्रीम की तरह दिखने लगे। तो इसे आप इस तरह से हाथ चम्मच से फेंटते जाएंगे ना, तो बिल्कुल ये क्रीम की कंसिस्टेंसी में बन के तैयार हो जाता है। ये देखिए फ्रेंड्स, लग रहा है ना बिल्कुल जैसे कि क्रीम होता है, बिल्कुल वैसा ही ये स्मूथ सब बन के तैयार हुआ है। ये देखिए, तो इस तरह से ही हमें ये चाहिए था। मैंने यहाँ पे चार बादाम और चार काजू को दरदरा पीस लिया है मिक्सर में। फ्रेंड्स, आप चाहे तो इस तरह से दरदरा पीस लें या तो फिर आप इसे बिल्कुल बारीक बारीक काट करके यूज़ करें। तो अगर आप काट के यूज़ करें तो ध्यान रखें कि बहुत ही बारीक आप इसे काटें। तो इस पाउडर को भी हम इसमें डाल लेते हैं। ड्राई फ्रूट से मिठाई का जो टेस्ट होता है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है, पर अगर आपके पास नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो इसे भी अब अच्छी तरह से हम मिला लेते हैं इस तरह से। फ्रेंड्स, ये मिठाई बहुत ही आसानी से बन जाती है, बहुत ही झटपट से बनने वाली मिठाई है। तो जब भी आपको मीठा खाने का मन हो तो घर पर रखी इन सब चीज़ों से आप इस मिठाई को बना के तैयार कर सकते हैं। यहाँ मैंने थोड़ा सा दूध में केसर डाल के रखा था, तो उसे भी हम इसमें डाल लेते हैं, इससे इसका काफ़ी अच्छा फ्लेवर आता है। अगर आपके पास केसर नहीं है या आप नहीं डालना चाहते तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। आधा कप हमने यहाँ पर मिल्क पाउडर डाला है। मिल्क पाउडर डालने से मिठाई में मावे वाला टेक्सचर आता है, मावे वाला टेस्ट आता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा मिठाई जो है वो टेस्टी हो जाती है मिल्क पाउडर डालने से। तो बिना मावा के इसमें मावे जैसा भी टेस्ट आने वाला है। तो इन सब को हम अच्छी तरह से मिला लेते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने ले लिया है भुनी हुई चने की दाल, रोस्टेड चना दाल है ये। ये बहुत ही आसानी से मार्केट में मिल जाता है, तो ये पहले से ही भुना हुआ रहता है, तो अधिकतर इसे चटनी में यूज़ करते हैं। फ्रेंड्स, ये भुना हुआ है तो इसे हमें पकाने की ज़रूरत नहीं होगी, तो इसमें हम इस मिठाई में इसका यूज़ करेंगे। आप चाहे तो जो चना होता है ना, भुना हुआ चना, उसका भी यूज़ कर सकते हैं। उसका छिलका निकालने के बाद आप इस तरह से इसे ग्राइंड कर सकते हैं। तो चलिए, हमने यहाँ पर एक कप ये रोस्टेड चने की दाल ली है और इसे हम ग्राइंड करके इसका पाउडर तैयार कर लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये बिल्कुल अच्छा फाइन सा पाउडर हमारा तैयार हो चुका है। बिल्कुल फाइन हमने इसे ग्राइंड करना है। अब हम इसे छान करके डालेंगे, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि अगर ये अच्छी तरह से नहीं पीसी हो तो इसमें थोड़े थोड़े दाने रह जाते हैं, तो इसलिए हम इसे अच्छी तरह से इस तरह से छान लेते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपके पास ऐसी वाली छन्नी नहीं है तो आप आटा छानने वाली छन्नी से भी इसे छान सकते हैं। इस तरह से हम इसे छान करके यूज़ करेंगे। और अगर कोई मोटा कण रह जाता है तो दोबारा से उसे आप मिक्सर में चला के उसका यूज़ कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं, यहाँ हमने अच्छी तरह से इसे छान करके ले लिया है और अब हम इसे मिला लेते हैं। तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पर कि आपको इसे हल्के हाथों से मिलाना है, बहुत ज़्यादा मसलते हुए इसे नहीं मिक्स करें, बिल्कुल हल्के हाथों से आपको इसे मिक्स करना है। और अगर आपका डो जो है बहुत ज़्यादा गीला हो गया है तो रोस्टेड चने की दाल को और आप पीस लें और उसके बाद इसमें यूज़ कर सकते हैं। अगर आपका डो थोड़ा सा हार्ड है तो इसमें आप थोड़ा सा
मेल्ट किया हुआ घी डाल सकते हैं या तो फिर दूध का यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये डो हमारा तैयार हो चुका है, इसे अब हम सेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे बटर पेपर में हमने थोड़ा सा घी या ऑयल लगा लेना है, उसके बाद सारा मिश्रण हम इसमें डाल लेते हैं। अच्छी तरह से इसे हम सेट कर लेंगे फ्रेंड्स, और इसे अब हम 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख लेते हैं ताकि ये बिल्कुल अच्छा सेट हो जाए। और 10 मिनट के बाद हमने इसे फ्रिज से निकाल लिया है और अब हम इसे काट लेते हैं। ये हमारी बहुत ही टेस्टी सी मिठाई बन करके तैयार होगी, और देखा आपने बहुत ही आसानी से ये बन के तैयार हो जाता है। ये देखिए फ्रेंड्स, कितना ज़्यादा ये सॉफ्ट सा बर्फ़ी हमारा बन के तैयार हुआ है, और आप इसे बड़े या छोटे शेप में काट सकते हैं। ये देखिए, काटने से ही आपको पता चल रहा होगा कि ये कितना ज़्यादा सॉफ्ट सा हमारा मिठाई जो है वो तैयार हो चुका है। ये देखिए, इसका टेस्ट भी बहुत ही अच्छा आता है, और इसका टेक्सचर भी आपको पता चल रहा होगा कि मिठाई बहुत ही स्वादिष्ट से बन के तैयार हुई है। तो ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमने ये मिठाई को बिना गैस जलाए बना के तैयार कर लिया है। झटपट से बनने वाली ये मिठाई है, तो आप भी इसे ज़रूर से बना करके ट्राई करें। बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही टेस्टी ये बन के तैयार होते हैं फ्रेंड्स। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन ज़रूर दबाएँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे किसी नई रेसिपी के साथ। टिल देन बाय बाय।